के ट्रेलर में नया क्या देखने को मिलेगा और क्रिश 5 क्या क्रिश सीरीज की आखिरी फिल्म होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, निर्माता निर्देशक राकेश रोशन की क्रिश 4 की शूटिंग 2019 में शुरू होनी है। काफी दिनों से चल रही इन खबरों के बाद बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टार कास्ट में कुछ ट्विस्ट होगा। सूत्रों की माने तो नई कहानी के प्लॉट में प्रियंका चोपड़ा के अलावा दो हीरोइनों के लिए जगह बनी है। पहले फिल्म में कैटरीना कैफ के होने की भी खबरें थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं है। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय में राकेश रोशन कई नई लड़कियों से मिले हैं। वो किसी फ्रेश चेहरे के साथ एक स्थापित चेहरे को लेना चाहते हैं। इनमें यामी गौतम, भूमि पेडनेकर और कृति सैनन भी ऋतिक रोशन की हीरोइन बनने की रेस में शामिल है। जानकारों के अनुसार ऐसे में अब ऋतिक रोशन के सामने अगले साल समस्या आ सकती है कि होम प्रोडक्शन के लिए कब समय निकाले। राकेश रोशन उन्हें क्रिश 4 के लिए तैयार रहने का निर्देश दे चुके हैं। 2019 में वो किसी भी दिन शूटिंग शुरू करने की घोषणा कर सकते हैं। इस बात को कोई नहीं झुटला सकता कि पहला मुकम्मल इंडियन सुपर हीरो लाने वाले कोई थे तो राकेश रोशन। उन्होंने 2003 में कोई मिल गया से ये शुरुआत की थी। बाद में इनकी दो सीक्वल फिल्में क्रिश और क्रिश 3 आई। सबसे पहली फिल्म रोहित नाम के लड़की की कहानी थी, जो उम्र में बड़ा हो जाता है लेकिन उसका दिमाग बच्चे जैसा ही रहता है और इस वजह से उसे सब सताते हैं। लेकिन एक दिन एक एलियन धरती पर आता है, जादू। वो जादू रोहित को असीम शक्तियां देकर जाता है। दूसरी और तीसरी फिल्म रोहित के बेटे के बारे में होती है। क्योंकि रोहित की माँ कृष्ण की भक्त होती है और रोहित को शक्तियां देने वाले एलियन जादू का रंग भी नीला होता है, इसलिए उसका नाम रखा जाता है कृष्णा। अपने पिता की तरह उसमें भी असीम शक्तियां होती हैं और जब वो मास्क पहनकर लोगों की मदद करने उतरता है तो कहलाता है क्रिश। इसी क्रिश सीरीज में ताजी हलचल हो रही है। डायरेक्टर राकेश रोशन ने घोषणा कर दी है कि वो एक साथ दो फिल्में बनाने जा रहे हैं, क्रिश 4 और क्रिश 5। तो आपको बताते हैं कि इन दोनों फिल्मों में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इन फिल्मों में दिख सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है, अगर उनकी कास्टिंग फाइनल है तो अभी तय नहीं कि किस रोल में वो दिखेंगे, क्योंकि सलमान खान की किक में वो विलन बने थे तो लगाने वाले कयास लगाएंगे कि विलन के रोल में ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में भी नजर आएंगे, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। राकेश रोशन इन दोनों ही फिल्मों को एक साथ बनाएंगे, जैसे अनुराग कश्यप ने गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाई और दो पार्ट में रिलीज की। डायरेक्टर राइटर राकेश रोशन अपनी दोनों क्रिश फिल्मों के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहेंगे। इन फिल्मों में सुपर हीरो के रूप में दिखने जा रहे ऋतिक रोशन के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और स्टाइलिस्ट गेविन मिगेन हो सकते हैं। इन्होंने ही क्रिश 3 में कंगना के किरदार काया के कपड़े डिजाइन किए थे, जो रबर लेटेक्स से बनाए गए थे। इन दोनों फिल्मों के स्टंट और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए इंटरनेशनल क्रू बुलाए जाएंगे। देखना होगा कि राकेश किन हॉलीवुड फिल्मों के क्रू लेते हैं, क्योंकि क्रिश 3 के VFX तो उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली से बनवाए थे। बताया जाता है कि अगली दोनों फिल्मों में एक नई एक्ट्रेस की एंट्री होगी। इससे पहले क्रिश सीरीज की फिल्मों में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा जैसी फीमेल लीड रही हैं। अब की कहानी क्रिश के बेटे से शुरू होगी तो उसके लिए किसी नई हीरोइन को लिया जाएगा। क्योंकि दो फिल्में एक साथ बन रही हैं तो सीरीज की बाकी फिल्मों के उलट कई नए चेहरे इसमें नजर आएंगे। क्रिश 4 की रिलीज डेट की घोषणा राकेश रोशन ने कर दी है। वो 2020 की क्रिसमस पर इसे रिलीज करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि तब किसी और सुपरस्टार की फिल्म तो रिलीज नहीं होगी या ये कि क्या तब तक उनकी फिल्म बन जाएगी। अभी दोनों फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सीरीज की पिछली फिल्मों की राइटिंग टीम में हनी ईरानी, रॉबिन बट, राकेश रोशन, सचित भौमिक, संजय मासूम, आकर्ष खुराना जैसे लोग रहे हैं, लेकिन इस बार स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किसके होंगे ये अभी पता नहीं चला है। लेकिन आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।